आशा बहनों के साथ आखिर इतनी बेरुखी क्यों? चित्रा सरवारा। हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने कहा, यमुनानगर में आंदोलनरत आशा वर्कर की मौत दुर्भाग्यपूर्ण। रक्षाबंधन पर्व पर यमुनानगर में पुलिस के साथ संघर्ष में आशा वर्कर की मृत्यु हो गई, लेकिन खट्टर सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने आशा वर्कर्स की हड़ताल और आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को आंदोलनकारी आशा वर्कर्स के साथ बातचीत की पहल करनी चाहिए। खट्टर सरकार जल्द आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा करे। खट्टर सरकार को दी चेतावनी, आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर आशा वर्कर्स के साथ संघर्ष करेगी। आज राखी के पावन अवसर पर एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली है, और वो ये है कि यमुनानगर से एक हमारी बहन जो कि आशा वर्कर थी, जो अपने पूरे संगठन के साथ पिछले 22 दिनों से आंदोलनरत थी और जिन्होंने संगठन के साथ चंडीगढ़ जाकर विधानसभा घेराव कर अपने एक उचित मानवदेय की मांग उठाने के जो प्रोग्राम के तहत जा रही थी, रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका, धक्का मुक्की में उन्हें चोट लगी और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। आज मैं समझती हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, सभी बेटियों के लिए, सभी बहनों के लिए इससे दुखद खबर नहीं हो सकती। राखी के दिन जब हर भाई अपनी बहन का मान रखता है, सम्मान रखता है और उस पर अपना प्यार निछावर करता है, आज मैं यही कहूंगी कि हमारे देश के मुखिया श्री मनोहर लाल खट्टर जी की अगुवाई में जो फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह से ये सरकार चल रही है, आज उसकी नीतियों के चलते, उसकी बेरुखी के चलते आज एक बहन की जान चली गई। राखी के अवसर पर इससे दुखद बात नहीं हो सकती। हम आज जो हमारी दिवंगत आत्मा है उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, परिवार और उसके संगठन के साथ सांत्वना रखते हैं। साथ ही में हम सरकार से सवाल करते हैं कि इतनी बेरुखी क्यों, इतना किस बात का डर कि रातों रात जब आने की खबर, जब इस आंदोलन की, इस घेराव की खबर आती तो रातों रात मान लो कोई बहुत ही डेंजरस गैंग हो, इस तरह से आशा वर्कर्स को उठाकर, उनके जो लीडर्स हैं उन्हें उठाकर पुलिस की निगरानी में ले लिया जाता है, ऐसी क्या बात? क्या मुख्यमंत्री साहब उनसे बैठकर बात नहीं कर सकते? क्या ये हादसा हम टाल नहीं सकते थे? आज एक बार फिर हम अपनी सरकार से सवाल भी करते हैं और परिवार और संगठन से संवेदना व्यक्त करते हैं। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल